आम आदमी पार्टी ने गुजरात में अपने चुनावी अभियान को फिर एक बार नई रफ्तार देते हुए 22 उम्मीदवारों की 8वीं लिस्ट को जारी कर दिया। अब तक आम आदमी पार्टी 108 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। गुजरात में विधानसभा चुनाव इसी साल के अंत में होने हैं और उनकी तारीख का ऐलान कभी भी किया जा सकता है। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में जमकर प्रचार करना शुरू कर दिया है। राज्य इकाई के अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए बताया कि पार्टी की यूथ विंग के नेता युवराज सिंह जडेजा उत्तरी गुजरात के दहेगाम से चुनाव लड़ेंगे। अहमदाबाद की एलिस ब्रिज, नारनपुरा और मणिनगर सीटों पर पार्टी पारस शाह, पंकज पटेल और विपुल पटेल को मैदान में उतारेगी। शुक्रवार को जिन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई उनमें काडी, गांधीनगर, वाधवा, मोरबी, जसदा, जेतपुर, कलावड़, जामनगर, महमेदाबाद, लुनावड़ा, संखेड़ा, मांडवी और महुआ शामिल हैं। इन सीटों पर उम्मीदवारों के रूप में आम आदमी पार्टी ने एच के डाभी, मुकेश पटेल, हितेश बजरंग, पंकज रनसरिया, तेजस गाजीपारा, रोहित भुआ, डॉक्टर जिग्नेश सोलंकी, प्रकाश डोंगा, प्रमोद भाई चौहान, नटवर सिंह सोलंकी, रंजन टडवी, सानियाबेन गामित और कुंजन पटेल ढोडिया के नाम की घोषणा की है। गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी की एंट्री की वजह से काफी दिलचस्प हो गया है। आम आदमी पार्टी दोनों ही राज्यों में न सिर्फ मुकाबला त्रिकोणीय बनाने की बात कह रही है बल्कि हिमाचल में तो पार्टी ने 7 से अधिक सीट जीतने की भी बात कह दी है।